नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी सामान्य हिंदी का जो है एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेके आए हैं, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। जीवन परिचय हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय देखेंगे। आइए देखते हैं बच्चों को जीवन परिचय। तो श्री हरिशंकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी जमानी नामक बच्चों जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। देखो, एक ट्रिक्स माध्यम से हम लोग हरी या पर हरी जो है ईंट पर है। देखो, ईंट से हो जाएगा इटारसी। हरी कहाँ है? ईंट पर। हरी जो है ईंट पर है, तो हरी से हो जाएगा हरिशंकर, पर से हो जाएगा परसाई, और ईंट से हो जाएगा इटारसी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी, मध्य प्रदेश इटारसी में हुआ था। कहाँ? जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, ये आराम से लेकर स्नातक, यहाँ स्नातक है, स्नातक स्तर जो ग्रेजुएशन होता है उसे हम लोग स्नातन कहते हैं। स्नातक स्तर तक जो है इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई, और ये जो है बच्चों नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की जो है परीक्षा उत्तीर्ण की। और जो है परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ किया, और नौकरी को जो है साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे जो है तिलांजलि दे दी, यानी जो है बच्चों छोड़ दी, तिलांजलि दे दी, और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में, स्वतंत्रता पूर्वक जो है साहित्य सृजन में जुट गए। और इन्होंने जबलपुर से, ये मध्य प्रदेश में है जबलपुर, जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक, ये जो है वसुधा नामक जो है साहित्यिक मासिक पत्रिका का जो है संपादन संपादन और प्रकाशन आरंभ किया। परंतु बच्चों जो है आर्थिक घाटे के कारण, आर्थिक में सोचा पैसा यानी आर्थिक तंगी आ गई, आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। और इनकी जो है साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही, यानी जो है जो पत्रिकाएं थी। और जो है परसाई जी ने जो है मुख्यतः व्यंग प्रधान ललित निबंधों की जो है रचना की थी। इस प्रकार बच्चों इनका जो है 10 अगस्त 1955 ईस्वी को जबलपुर में ही इनका जो है बच्चों क्या हो गया? देहांत हो गया। किसका? जो है हरिशंकर परसाई का। आगे देखते हैं हम लोग, जब इनका देहांत हो गया, अब देखे अब इनकी जो है महत्वपूर्ण हम लोग रचनाएं वगैरह देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंस है। जैसे रचनाएं हैं, परसाई जी अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों में व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और आडंबरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट करते हैं। इनकी जो है प्रमुख रचनाएं जो है क्या है बच्चों? निम्नलिखित हैं। जैसे कहानी संग्रह इनकी है, कहानी संग्रह जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे अनेक दिन फिरे, जैसे अनेक दिन फिरे, ये सब क्या है इनकी जो है कहानी संग्रह है। उसके बाद इनके बच्चों कुछ उपन्यास हैं, रानी नागफनी, नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके क्या थे? उपन्यास थे। और बच्चों इनको जो है निबंध संग्रह भी कुछ है, जैसे तब की बात और थी, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, और पगंडियों, पगंडियों का जमाना, पगंडियों का जमाना, और सदाचार का जो है तावीज, और शिकायतें मुझे भी हैं, शिकायतें मुझे भी हैं, ये क्या थे जो है प्रमुख निबंध संग्रह थे जो है किसके? हरिशंकर जो है परसाई का। तो बच्चों ये थे जो है हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं बच्चों सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।